आज का प्रोग्राम मोदी केयर बिजनेस का परिवर्तन। तो आप खुद अपना परिवर्तन लाने के लिए इस प्रोग्राम जरूर लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए, नाम मनीष शर्मा है, मैंने क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ है, एक एमएनसी के अंदर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, 1000 रुपए से एक साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड साथ साथ लंदन से प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चेंजिंग इवेंट में। ये इवेंट लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है एंड उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। एंड आज के इस लाइफ चेंजिंग इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूँ, आज हर एक युद्ध का सपना बन चुका है उनकी तरह बनना। सो हम इन्वाइट करते हैं मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग के यंगेस्ट मल्टा मिलियनेयर जीबीडी मिस्टर निशांत भार्गव जी का, जो कि एक प्रोफेशनल है और उन्होंने अपनी हाईएस्ट पेड जॉब को रिजाइन करके मोदी केयर को फुल टाइम करना चूज किया, क्योंकि वो उसका विजन जान चुके थे, इस बड़े पिक्चर को देख चुके थे और आज उनका पैशन है लाखों लोगों को सक्सेस दिलाना। सो विद द बैकग्राउंड ऑफ प्लॉट, लेट्स मी इनवाइट मिस्टर निशांत भार्गव ऑन दिस ज़ूम मीटिंग। ओवर टू निशांत भैया। थैंक यू सो मच अनीश। आप जैसा क्वालिफाइड यंग व्यक्ति एक मीटिंग को चालू करे, एक परिवर्तन मीटिंग को चालू करे, तो उस मीटिंग का शुरुआत ही नहीं, पूरी पूरी मीटिंग सक्सेसफुल होना सिर्फ आपकी स्टार्ट से हो जाता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जैसे अनीश जी ने बोला, मेरा नाम निशांत भार्गव है एंड आप सबका इस ब्रांड न्यू मोदी केयर परिवर्तन इवेंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी कहीं ऐसे चालू हुई थी कि 2 साल का था और जिस बिजनेस के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, कुछ लोग मेरे घर आए और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी चाहिए। मेरे को देखा उन्होंने सोचा, अरे निशांत भार्गव तो 2 साल के हैं, चलो कोई बात नहीं, इनके घर वालों को ये समझा देते हैं। और उन्होंने मेरी मदर और ग्रैंड मदर से इस बिजनेस के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि एक नए तरीके का बिजनेस है। 25 साल पहले बताया था कि एक नए तरीके का बिजनेस है, हिंदुस्तान में पहली बार आया है, बट देश विदेश के जो लोग हैं वो इससे अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, अपनी पसंद की गाड़ी में घूमते हैं, अपने बड़े से पसंद के सपनों के आलिशान घर में रहते हैं, देश विदेश की यात्रा कर पाते हैं। और ऐसी की चिंता जो है वो उनकी नहीं, उनकी पीढ़ियों से हट गई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये बिजनेस कर लिया है। मेरे घर वालों ने सोचा, हिंदुस्तान में तो नया है, मगर अगर कोई भारत को गोरा कर सकता है तो हम हिंदुस्तानी किसी भी से कम नहीं। और यही सोच के उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, शुरुआत करी, अपने सपने इसके साथ जोड़े और फिर एक सफलता की राह पे चलते चले गए। बट किस्मत की बात यह, अच्छी बात यह है कि सफलता सिर्फ मेरे परिवार ने ही नहीं देखी, सिर्फ ये बिजनेस करते हुए उन हजारों लाखों लोगों ने, जो भी जिसके सामने भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, जिसने इसको अपनाया, समझा, अपनाया और अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस के साथ लग गए, उन सबकी सफलता भी देखी। इस सफलता की राह पे फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के लोग मिले। कुछ लोग ऐसे थे जो दूध बेचने का बिजनेस करते थे, तो इसी राह पे चल के आज की तारीख में मर्सिडीज चला पाते हैं। कुछ ऐसे लोग मिले जो फिशरीज के बिजनेस करते थे, जो फिशरीज का बिजनेस बोल रहा हूँ, मछुआरे थे, मछलियां पकड़ते थे, आज वो BMW चला पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मिले इस मीटिंग में आप देखेंगे जो बिजनेसमैन थे, हाउसवाइफ थी, और वो इस बिजनेस को करके आज अपनी पसंद की जिंदगी जी पा रही है, आलिशान घर में रह रहे हैं, टाइम फ्रीडम मिल चुका है उनको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को करके। बट जैसे जैसे बिजनेस आगे गया, इन सब लोगों को सफलता मिली, हम भी बड़े होने लग गए। हमारे घर में बहुत पढ़ाई लिखाई को महत्वपूर्ण दिया जाता था, मेरे पापा चार्टर अकाउंटेंट, मेरी मम्मा PhD इन अकाउंट्स, दादाजी ने LLB लॉ कर रखा, तो हमने सोचा भैया हम भी पढ़ लिख के देखते हैं। तो वो इसी के चलते हुए BBA करा, MBA करा और फिर एक MNC में नेशनल पोजिशन की जॉब पे लग गया। दोस्तों, हर यूथ का जो सपना होता है ना कि पढ़ाई लिखाई करो और एक सेट जॉब हो जाए, जिंदगी ऐश से कट जाए, वो सब करके देख लिया था। बट क्योंकि इस मोदी केयर के बिजनेस को, इस मोदी केयर के सिस्टम को बहुत करीब से देख रखा था कि हर कोई इस बिजनेस में आके अनलिमिटेड सक्सेस पा सकता है, कोई लिमिट नहीं होती है सक्सेस में। हम जब दूसरे बिजनेसेस करते हैं तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो पाता है, ये कितना पैसा हम डालते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। जब हम जॉब में जाते हैं, एम्प्लॉय कहीं बनते हैं, तो हमारे पास कौन सी डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से हमारे को पैकेज मिलता है। बट यहाँ पर एक हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट, हर कोई एक इक्वल स्तर पे होता है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो उतनी ही बड़ी होती है जैसे नेक्स्ट पर्सन के लिए। इसलिए इस इनक्रेडिबल बिजनेस में आज की तारीख में हूँ,
फुल टाइम इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन भी लोगों ने इससे सफलता पाई है, आगे जो लोग आए उसे 10 गुना सफलता दिलाने के मिशन पे हूँ, और जिंदगी को, इस मोदी केयर के बिजनेस को, सपने को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर चुका हूँ। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को चालू करा था फ्रेंड्स, तो वो बस में, मुंबई के लोकल ट्रेन में, ऑटो में जाके इस बिजनेस को बिल्ड करते थे, और वही बिजनेस जब आज मैं बिल्ड करता हूँ तो 70 लाख रुपए की वॉल्वो में घूमने का मौका मिलता है। ये दूरी है, ये डिस्टेंस है जो एक पीढ़ी को ये बिजनेस दिला सकता है, और इस ऐसे बिजनेस को करना जो है वो हम सबके हित में। तो भाई तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि ये बिजनेस क्या है, कौन सा है, और क्या सिस्टम है इसका जिससे इतनी सक्सेस जो है लोग पा पाते हैं। इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए मैं एक पीपीटी जो है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, एक स्लाइड शो करने वाला हूँ, और इस पीपीटी का जो नाम है ना वो बहुत अनोखा लगता है मुझे, क्योंकि इसका नाम तो है ही बट आपके लिए और मेरे लिए सवाल भी है, और एक ऐसी चीज है जो आपके और मेरे बीच में कॉमन भी है, एक समान भी है, और इसका नाम है दोस्तों परिवर्तन। नाम है दोस्तों परिवर्तन। परिवर्तन अपॉर्चुनिटी का नाम भी है और सवाल भी है कि क्या आप अपनी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, एक सकारात्मक बदलाव अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज हो, कुछ चेंज हो जो आपको जहां हो उससे बेटर बनाए, कल जहां थे आज उससे बेटर कर पाओ, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पा रहे हो? हो सकता है आपके पास थोड़ा हो, थोड़ी की जरूरत हो सकता है बहुत कुछ हो और थोड़े अलग की जरूरत हो। उन सब के लिए जो सब लोग चेंज चाहते हैं, उन सब का इस मीटिंग में स्वागत है, क्योंकि सही जगह पे हो आप लोग। बट जैसे हमारे फाउंडिंग फादर मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं, अगर कुछ चेंज चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो सबसे पहले सोच बदलो। सोच बदल पाते हो तो खुद को बदल पाते हो, और जब खुद को कोई व्यक्ति बदल पाता है, जो कार्य वो करता है वो बदल पाता है, तो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और उस पे भी एक ऐसी चीज है जो हम सब के बीच में एक समान है, और फ्रेंड्स वो है हमारे सपने। देखिए इस जूम मीटिंग में 1000 लोग हैं, फेसबुक पे भी देख रहे होंगे, हम सबके स्किन का कलर ऑलमोस्ट अलग है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं होगा 100%। हम सब अलग टाइम पे सोते हैं, अलग टाइम पे जागते हैं, नाश्ते में कोई पराठा खाता है तो कोई इडली सांभर खाता है, बट कुछ सपने हमारे जो एक समान होते हैं। हम सब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। कोई है इस मीटिंग में या फेसबुक पे जो कहता है अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, इसकी चिंता करने में भैया बहुत मजा आता है? कोई भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं आता मजा। हम सब फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते, चिंता नहीं करना चाहते हम पैसे की, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते, कोई नहीं चाहता दिन के 18 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना। हम चाहते हैं हमारी ऐसी जिंदगी हो, ऐसी लाइफ हो जो प्रोडक्टिव रहे, कम टाइम में ज्यादा हम इनपुट दे पाए, ज्यादा इफेक्टिव हम रह पाए, ऐसे हम करना चाहते हैं। फैंसी कार्स चाहते हैं, हम सब देखते हैं सड़कों पे BMW, मर्सिडीज, ऑडी को घूमते हुए, बट क्या उसको देखना काफी होता है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते कि हमारे घर के गैराज में खड़ी हो ये गाड़ियां। घर के गैराज की हमारे बात करिए तो बड़ा घर चाहते हैं। हर किसी के दिमाग में एक सपनों का घर की इमेज होती है। अभी अगर मैं आपको आंखें बंद करके सोचने के लिए बोलूं ना आपके सपनों का घर कैसा है, तो कुछ ना कुछ बना लेंगे आप जरूर, क्योंकि वो हमारा सपना होता है। हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हम चाहते हैं हमारे घर वालों के पास एक आलिशान जगह हो घर बुलाने के लिए, हम बड़ा घर चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। आज की तारीख में दुनिया के कोई भी कोना ना गूगल मैप से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पेरिस में आईफिल टावर कैसा है, क्या न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसी दिखती है, बट क्या वो जानना और फोन पे देखना काफी होता है? नहीं, हम वो महसूस करना चाहते हैं, हम वहां घूमना चाहते हैं, हम वो फ्लाइट लेके उधर पहुंचना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस चाहते हैं। हम सब कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है, क्वालिटी टाइम विद फैमिली चाहते हैं, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन चाहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा मोटिवेटेड है ही, ज्यादा एम्बिशियस है ही, और उनके पास मौके भी है। शायद से मेरे पेरेंट्स के पास पैसा फिर भी होता, बट वो फैसिलिटीज नहीं थी कि वो कहीं भी जाके पढ़ाई लिखाई कर पाए, बट अब की जनरेशन के पास हैं, और उनको सपनों को पूरा करना हमारी ड्यूटी बनती है। चैरिटी करना चाहते हैं, कोरोना ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, हर कोई चैरिटी जरूर करना चाहता है फ्रेंड्स, अपने लेवल पे दूसरों की मदद हर कोई करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, मेरी मदर कहती है कि जितने लोग शायद से भूख से की वजह से भूख रहते हुए सोते नहीं है, उससे ज्यादा रिकग्निशन की भूख से जो है वो लोग सोते हैं। व्यक्ति जो है जिंदगी में अपने काम को करता है और दूसरे वो जो काम कर रहे होते हैं उसको उनकी ड्यूटी समझते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हम, चाहते हैं कि ऐसा कोई काम हो जिसके लिए कोई शबाशी दे, कोई सल्यूट करे, कोई बोले हमारे को थैंक यू, और रिकग्नाइज करे कि हमारे काम करने से कोई फर्क पड़ता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है।
हम एक हाई इम्पैक्ट काम करना चाहते हैं जो लोग रिकग्नाइज करें। ये सब हमारे कुछ सिंपल से सपने होते हैं। थोड़ा सकता है गाड़ी किसी के अलग हो, किसी को 6 बेडरूम का चाहिए हो, किसी को 8 बेडरूम का चाहिए हो, किसी को US घूमने का सपना हो, किसी का पेरिस यूरोप जाने का सपना हो, बट होते कहीं ना कहीं इधर उधर ही है। बट एक और चीज है जो हम सबके बीच में कॉमन आ जाती है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। 1960 में कहते हैं 100 रुपए में घर चल जाता था, पता नहीं मैं तब था नहीं, बट दादी से पूछूंगा तो वो जरूर बोल देंगे कि हाँ 100 रुपए में घर चल जाता था, 50 पैसे पर लीटर का पेट्रोल होता था, ऐसी मेरे को कहानियां पता चलती हैं। 1980 में 1000 रुपए में घर चलने लग गया था, 2000 में 10000 रुपए में घर चल जाता था, ये मेरे को ध्यान है, मेरे को पता है कि 2000 में 10,000 रुपीज में एक हाउस होल्ड रन कर जाता था, और आज 2020 से दोस्तों 1,00,000 रुपए चाहिए होता है एक व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। अगर मेट्रो सिटी में रह रहा हो, शादी हुई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक लखपति भी कभी कभार बाइक पे ही घूम रहा होता है, एक लखपति भी मिडिल क्लास हो गया है। ये फ्रेंड्स आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग की सच्चाई है। कोई लग्जरी नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं, कोई वो टाइम फ्रीडम नहीं, कोई रिकग्निशन वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ जरूरतों पे इतना खर्च हो जाता है। और अगर इस ग्राफ पे चलता जाओ ना, तो 2040 में 1,00,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या वो 1,00,000 रुपए महीने का इंतजाम आपने कर रखा है? कर रखा है, वेरी गुड। ये अपॉर्चुनिटी सुनिए, आपके वो 2040 के प्लान से बहुत पहले 1,00,000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बात होगी, और इसको किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और नहीं कर रखा है तो 2040 तक रुकने की जरूरत नहीं है वो 1,00,000 रुपए महीना कमाने की। फ्रेंड्स इस बिजनेस से आज की तारीख में लोग, सैकड़ों लोग उस इनकम तक पहुंच चुके हैं, और आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी उतनी ही ओपन है। तो आइए बात करते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति अपनी जो जरूरतें होती है, जो सपने होते हैं, उनको पूरे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एक रोड मोस्ट वॉक इन वाला प्लान। सबसे ज्यादा लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं हम डिपेंडेंसी प्लान। एक 40 साल का एक्टिव इनकम का प्लान होता है फ्रेंड्स ये, और इसमें जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। व्यक्ति जो है 19-20-21 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद एक जॉब ज्वाइन करता है, एक कंपनी ज्वाइन करता है, एक एम्प्लॉय बनता है, और फिर अगले 40 साल रिटायरमेंट तक उस कंपनी में काम करता है, और फिर वन फाइन डे रिटायर हो जाता है। उनकी जिंदगी की जो सारी मेहनत होती है ना, जो 40 साल की मेहनत होती है, वो सब की सब एकदम फुल स्टॉप लग जाते हैं उसके ऊपर जैसे ही वो रिटायर करते हैं। उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वहीं से चालू करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच, फिर से अपनी वो 40 साल की जर्नी निकालने के लिए, और उनको फिर अपनी ओल्ड एज में जब सबसे ज्यादा ग्रेसफुल होना होता है, उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे डिपेंड करना होता है, और सिर्फ अपनी सेविंग्स की तरफ देखना पड़ता है। ये सिर्फ एम्प्लॉयज के साथ नहीं होता फ्रेंड्स, ये होता है शॉपकीपर्स के साथ। आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, आप कब तक सुबह के 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उस दुकान पे बैठ सकते हैं? आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो देना पड़ता है, और फिर से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है। इसको एक्टिव इनकम का प्लान इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आप काम करते हैं ना, उतना ही आप अर्न करते हैं। अगर आपको अर्निंग बढ़ानी है, तो आपको या तो काम जितना कर रहे हो वो बढ़ाना होगा, या काम की इंपॉर्टेंस बढ़ानी होगी। एक डॉक्टर है, दिन के 10 पेशेंट देखते हैं, उतनी कमाई होती है। अगर ज्यादा कमाना है तो 10 से ज्यादा पेशेंट देखने पड़ेंगे। एक सीए है, वो अगर 10 बुक फाइल करते हैं तो उसको उनको एक पेमेंट आती है। अगर उनको उससे ज्यादा जो है कमाना है तो ज्यादा बुक फाइल करनी पड़ेंगी। ये 40 साल का एक्टिव इनकम का प्लान होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो 40 साल का प्लान है वो घूमता जाता है। एक 40 साल का फायदा दूसरे 40 साल को नहीं होता, ये डिपेंडेंसी प्लान में होता है, और सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है। बट आपकी और मेरी किस्मत से एक और तरीका होता है जिससे लोग अपने सपने, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए जाते हैं, और वो होता है फ्रेंड्स आजादी प्लान। एक 2-5 ईयर का पैसिव इनकम का प्लान होता है। इसमें डिपेंडेंसी प्लान से कुछ अलग होता है, उसमें था जितना काम करोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा। इसमें जब एक व्यक्ति काम करना चालू करता है, तो शुरुआत में उसको लगता है कि मेरी मेहनत तो बहुत है बट रिटर्न उतना नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाता है, वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, उनका वर्क फ्लो जो है वो रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, तो काम जो है, एफर्ट जो है वो तो कम होते रहता है, और इनकम जो है वो स्काई रॉकेट करने लग जाती है। अब आप ऐसा बोलोगे कि ऐसी कौन सा काम है जिसमें शुरुआत में जो है उसमें तो कमाई ज्यादा नहीं होती, बट बाद में जो है वो कमाई बहुत होती है और पैसे होती है, काम करना बंद भी कर दूं फिर भी आती रहती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कमाई लेखक कमाते हैं,
एक बात बताइए, जब एक लेखक जो है किताब लिख रहा होता है, कोई उनको पैसे दे रहा होता है? किसी तरीके की पेमेंट मिल रही होती है उनको? नहीं। और जब वो किताब छप जाती है, वो बेस्ट सेलर बन जाती है, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं वो किताब के बारे में बात करने के लिए, तो वो और उनकी अगली पीढ़ियां जो है वो लगातार उस पे से रॉयल्टी कमाती है, उनकी इनकम कभी बंद नहीं होती क्योंकि वो किताब हिट हो चुकी होती है। सॉन्ग राइटर्स, कंपोजर्स, मूवी डायरेक्टर्स, मूवी प्रोड्यूसर्स, ये सब ऐसी इनकम कमा पाते हैं कि जब मेहनत कर रहे होते हैं, जब एक्चुअल काम हो रहा होता है, तब एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, इनकम बहुत कम होती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एफर्ट जो है वो कम होते रहता है, इनकम स्काई रॉकेट करने लग जाती है। ऐसे भी लोग कमाते हैं, रेंटल इनकम होती है लोगों की, वो पैसिव इनकम कमा पाते हैं। इन्वेस्टमेंट, जिनके पास बहुत पैसा है, वो शेयर मार्केट में और अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके ये पैसिव इनकम कमा पाते हैं। बट एक बात बताइए, क्या आप और मैं, हम सब क्या किताब लिख सकते हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन सकते हैं, या गाना गा सकते हैं, कोई सुपर हिट गाना गा सकते हैं? आपको तो पता नहीं, मैं गाऊंगा तो ये मीटिंग एग्जिट करके चले जाओगे, हम तो नहीं कर सकते। तो क्या ये पैसिव इनकम का प्लान हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, यही ब्यूटी है कि एक डायरेक्ट सेलर जो है वो भी पैसिव इनकम कमाता है, वो भी 2 to 5 इयर्स के आजादी प्लान का पार्ट बन पाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी ये होता है, जब हम आते हैं इस बिजनेस में, नए होते हैं, हमारे ज्यादा इस बिजनेस के बारे में सुना नहीं होता है, जाना नहीं होता है, जो भी थोड़ा बहुत सुना होता है वो एक्सपर्ट से नहीं सुना होता, इंडस्ट्री लीडर से नहीं सुना होता, इधर उधर के लोगों से सुन रखा होता है, हमारी नॉलेज कम होती है, एक्सपीरियंस कम होता है। बट जैसे हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, हम एक लर्निंग प्रोसेस चालू करते हैं, टीम बिल्डिंग प्रोसेस चालू करते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एफर्ट तो कम होते रहता है, बट इनकम स्काई रॉकेट करने लग जाती है। अब आप मेरे को बोलोगे, निशान जी हम समझते हैं कि कैसे एक लेखक कमाता है, किताब लिखने वाला कैसे कमाता है हम समझते हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, सिंगर कैसे कमाते हैं, ये भी हम समझ में आता है। डायरेक्ट सेलर कमाता कैसे है, वो आता कहाँ से उनके कमाने के लिए? तो आइए फ्रेंड्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को जो है वो कंपेयर करूंगा। एक बात बताइए, आप अपने पड़ोस की दुकान से सामान खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? क्योंकि वो पास में है, उसके पास सामान मिल जाता है, वो दुकानदार आपके आपसे अच्छे से बात करता है, या आपको उस दुकानदार की शक्ल पसंद है, यही कारण हो सकते हैं कि आप अपनी पड़ोस की दुकान से सामान खरीदते हो। तो एक बात बताओ, जब उस दुकान से सामान खरीदते हो, क्या वो सामान को बना रहा होता है? क्या वो प्रोड्यूसर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सीधा का सीधा कंपनी से खरीद रहे होते हैं, प्रोड्यूसर से खरीद रहे होते हैं? वो भी नहीं फ्रेंड्स। जब आप जाते हो अपनी पड़ोस की दुकान पे, तो वो एक रिटेलर होता है, वो रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, और डिस्ट्रीब्यूटर शायद से कंपनी से लेता है, और आपको बताने के लिए कि आपके पड़ोस की दुकान में ये सब सामान अवेलेबल है। कंपनियां अरबों खरबों रुपए खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ टीवी पे ऐड दिखाने के लिए, इंटरनेट पे ऐड दिखाने के लिए। अमिताभ बच्चन जी को, कैटरीना कैफ जी को पैसे जाते हैं, सोनी टीवी, स्टार टीवी, जी टीवी, इन सबको अरबों खरबों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए। और जब आप अपनी पड़ोस की दुकान से सामान खरीदते हो, इन सबका दाम जो है वो आप चुका रहे होते हो। वही डायरेक्ट सेलिंग में क्या करा जाता है, आपको जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाया जाता है सीधा और सीधा मैन्युफैक्चरर से, और बीच में ये जो सब लोगों का जो कॉस्ट बेनिफिट है ना, जो इन सब की जेब में जा रहा था, मिडलमैन में, एडवर्टाइजमेंट में, उसका फायदा आपको और जो व्यक्ति आपके साथ ये प्रोडक्ट शेयर कर रहा होता है उसको जा रहा होता है। मिडलमैन रिमूव करके इनकम जनरेट करी जाती है डायरेक्ट सेलिंग में, है ना? अमेजिंग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम सब इसको समझते हैं, हम सब दुकान गए हुए होते हैं, हम सब इसको समझते हैं, और अब यहाँ पर भी हम अर्न कर पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इनकम जनरेट होती है। और क्या फायदे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के? सबसे बड़ी पहली बात, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई भी जिंदगी में बिजनेस करना चाहो, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगता है, या तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, या सेटअप चाहिए होता है, या ऑफिस चाहिए होता है, दुकान चाहिए होती है, कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता ही है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है दोस्तों। कंपनी ने आपके लिए वेयरहाउस बना रखे हैं, डिलीवरी सिस्टम क्रिएट कर रखा है, ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर रखा है, आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट R&D कर रखी है, सब कुछ कंपनी ने खुद आपके लिए कर रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग हो जाती है और आपका बिजनेस चालू हो जाता है, नो रिस्क है। हम हिंदुस्तान में ना बहुत डरते हैं, हम डरते हैं अगर 10,000 रुपए भी किसी बिजनेस में डूब गए ना, तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे पैसे की वैल्यू नहीं होती, उस रुपए की कीमत इतनी बड़ी होती है हमारे लिए, एक रुपए की कीमत 1 रुपए से ज्यादा बड़ी होती है एक हिंदुस्तानी के लिए, तो हम बहुत डरते हैं लॉस से। बट क्योंकि यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, तो नो रिस्क का बिजनेस है, वो रिस्क पार्ट यहाँ से हट ही जाता है, अनलिमिटेड इनकम का सोर्स है दोस्तों। एक बबात बताइए, आपने बिजनेस चालू करा, आपने 5 ट्रक खरीदे और 1 ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा दिए,
अब आपको अगर 5 लाख से ज्यादा छठे या सातवें ट्रक जितनी कमाई करनी है तो और ट्रक खरीद के डालने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ चालू करा था और कमाने के लिए फिर से इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अनलिमिटेड इनकम का सोर्स है दोस्तों ये, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर से इन्वेस्ट करने की बात ही नहीं आती। फैमिली बिजनेस है, जॉब पे घर वालों को ले जाए मजाक है, बिजनेस में हम सोचते हैं कि हमारे घर के जो बच्चे हैं बड़े हैं लेडीज हैं उनको दूर रखा जाए, उनसे इस बिजनेस के बारे में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ना करा जाए उनको, क्योंकि कठोर इतनी दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग फैमिली बिजनेस है, हर कोई कर पाता है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इसलिए ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को ये बिजनेस वैसे का वैसे ट्रांसफर हो जाता है, उनको फिर से फ्रॉम स्क्रैच नहीं चालू करना पड़ता। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे दादाजी और दादी ने इस बिजनेस को चालू करा था फ्रेंड्स, वो उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, उन्हें सालों साल डेवलप करा, मेरे दादाजी के जाने के बाद मैं और मेरी दादी पार्टनरशिप में इस बिल्डर्स को बिल्ड करते हैं। मैं 26 साल का हूँ, 75 साल की, और हम बिजनेस पार्टनर्स है, ये पावर देता है ये बिजनेस। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपकी जॉब है, बिजनेसमैन हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। आज की तारीख में एक स्टार्टिंग जॉब में भी लोग 2 साल का एक्सपीरियंस मांगने लग जाते हैं और कॉलेज की डिग्री मांगते हैं अलग, बट यहाँ पर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है वो जरूर आपके हेल्प करेंगे, बट कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव इनकम का सोर्स है फ्रेंड्स, इनकम एक बार इस बिजनेस में जब सेट हो जाती है, आप काम करना बंद कर दे किसी कारण से या काम नहीं कर पाए किसी कारण से तो भी इनकम चालू रहती है। खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, 2005 में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, मैं 10 साल का था, मेरी मदर उनके ध्यान रखने में बिजी थी, 4-5 साल किसी ने घर में काम नहीं करा, बट हर महीने मोदी केयर हमारे को 4 से 5 लाख रुपए का चेक भेज दिया करता था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड कर रखा था। सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम बिजनेस है, कोई नहीं कहता जॉब है तो बॉस को टाटा बाय बाय बोल दो, दुकान है तो शटर डाउन कर दो, हाउसवाइफ हो घर का ध्यान रखना बंद कर दो, स्टूडेंट हो तो अपने काम छोड़ दो, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, आपके जितने बड़े सपने और जितना वक्त आपके पास है उतना आप इस बिजनेस को देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो बहुत है, बट बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं फर्स्ट इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट हूँ जिसका नाम है मोदी केयर। श्री समीर मोदी जी ने इस बिजनेस को चालू करा, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल खानदान से आते हैं और उन्होंने सोचा कि ऐसी क्यों ना कोई एक इंडस्ट्री बनाई जाए, कंपनी बनाई जाए जिसमें आम लोगों को, मेरे और आपके जैसे लोगों को एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उसी के चलते एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करी, उस प्रोडक्ट का नाम रखा आज़ादी। आर्थिक आज़ादी दिलाने के मिशन पे हैं ये हिंदुस्तानियों को, कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो डे टू डे यूज में वर्ड ऑफ माउथ का जो स्किल है उसको यूज करके अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सकता है। इनकी सोच जो है वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आई, जनरेशन वाइज इनके बिजनेसेस बहुत बड़े थे। थोड़ा सा इनकी फैमिली की हिस्ट्री जानते हैं, राय बहादुर गुजर मोदी ने इनकी परिवार की वो जो बिजनेस हिस्ट्री है उसको चालू करा, 400 रुपए लेकर निकले थे अपने घर से 1933 में, बेगमाबाद में शुगर मिल लगाई, 33 से 72 तक 27 अलग इंडस्ट्रीज इन्होंने सेटअप करी, 1968 में पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी। उनके बेटे श्री के मोदी जी, वो खुद एक बहुत बड़े विजनरी थे, वो इस के मोदी ग्रुप को, मोदी एंटरप्राइज को 90 देशों तक लेकर गए, और आज की तारीख में 30,000 से भी ज्यादा जो है इंप्लॉयज इनकी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। एंड दोस्तों, उनके बेटे समीर मोदी जी फाउंडिंग फादर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर, 1996 में लॉन्च करी थी उन्होंने कंपनी, और आज के तारीख में मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स है, फाउंडर मेंबर ऑफ IDSA है। ये एक नॉन गवर्निंग बॉडी है जो देखती है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो अपने जो लोग हैं जो कंसल्टेंट्स हैं उनके हित में तो डिसीजन ले रही है ना। रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, विनर्स ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, कई सारे अवार्ड से हमारे को नवाजा गया है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंट GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी जिन प्रोडक्ट्स की होती है उनको GMP सर्टिफिकेशन मिलता है, और वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, एग्रीकल्चर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, पर्सनल केयर, ऑटो केयर, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी, SM वॉचेस। फ्रेंड्स, आपके सामने सिर्फ इसमें 12 अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। जब मोदी केयर स्टार्ट हुआ था तो 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था, और आज की तारीख में 700 से भी ज्यादा SKUs हैं, क्योंकि तब भी विजन ये था कि एक कंप्लीट सुपरमार्केट जो है, एक सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है एंड मोर, वो मोदी केयर से व्यक्ति परचेज कर पाएगा, और उसी के चलते आज की तारीख में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये बैकबोन है हमारे बिजनेस की।
आप देख सकते हैं आपके सामने न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस किसको जरूरत नहीं, आज कहते हैं रोटी कपड़ा मकान एंड दवाई, क्योंकि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। कलर कॉस्मेटिक्स एक लीडिंग इंडस्ट्री है, स्किन केयर लीडिंग इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेज हम सब कुछ चाहिए होता है, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स हैं, हर एक अलग यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और इनमें से हर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है हम सबके घर में काम आता है, डेली यूज रीयूज के प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। इतनी इंक्रेडिबल हमारी प्रोडक्ट रेंज आज की तारीख में हो चुकी है और ये इस बिजनेस को बनाने में हमारी मदद करती है। थोड़ा सा अगर मैं जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी थी तो फ्रेंड्स इंडस्ट्री का बेस्ट पे आउट है, हर समझिए हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक प्लान पे काम करती है जो डिसाइड करता है कि आपकी मेहनत का आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, उसका रिटर्न कैसे मिलता है वो एक प्लान डिसाइड करता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पे आउट जो है अब किसी भी कंपनी के टर्नओवर का वो मोदी केयर देती है अपने कंसल्टेंट्स को, 62% का प्ले आउट है, अक्यूमुलेटिव प्लान है। आप जो भी बिजनेस करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आपकी टीम के लोग करते हैं, वो सब महीने दर महीने जुड़ता जाता है, कभी जीरो नहीं होता, और उसके हिसाब से भी आपका लेवल जो है वो डिसाइड करा जाता है। टाइटल्स फॉर लाइफ टाइम, एक बार कोई टाइटल अचीव कर लेते हो ना वो हमेशा आपके साथ रहता है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। मैंने पहले भी बोला है, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, KYC कराइए और अपना MCA नंबर जनरेट करके ना अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर लिए। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। मोदी के हर प्रोडक्ट पे समीर जी का साइन होता है, प्रोडक्ट या उसकी पैकेजिंग पे, और वो कहता है प्रोडक्ट खरीदा, इस्तेमाल करा, पसंद नहीं आया 25% तक इस्तेमाल करें, महीने भर से पहले रिटर्न कर दो और अपने 100% पैसे वापस ले जाओ। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती फ्रेंड्स, मार्केट में कोई दुकानदार एक खुले हुए बिस्किट का पैकेट भी नहीं लेता, बट यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। ट्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों, बिजनेस करना कोई एक दूसरे को नहीं सिखाता। मैंने भी MBA करी है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय बनना सिखाया गया था मेरे को। यहाँ पर जो है एक पूरी सिस्टम है, हमारे मोदी केयर के वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स हैं हमारे पास, जो हमारे को बिजनेस करना सिखाते हैं, और सब सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर के अम्ब्रेला के अंदर वो ट्रेनिंग सिस्टम हमारे को प्रोवाइड करा जाता है। तो सब प्लान की इनकम्स के बारे में बात करें, बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा था, फीचर्स के बारे में बात कर रहा था, आइए इनकम के बारे में प्लान करते हैं। वो जो MCA नंबर के बारे में बात करी थी ना मैंने, वो जनरेट करके एक 10 तरीके की इनकम क्रिएट करने का, अर्न करने का मौका मोदी केयर हमारे को दे देती है। अप टू 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन है, अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट है, 7-16% का APV है, 4% का डायरेक्टर बोनस पूल है, 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल है, 15% का LPV बोनस पूल है, ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल है 3% का, 5% का ड्रीम व्हीकल बोनस पूल है, 3% का ड्रीम होम बोनस पूल है, एंड 2% का अटूट बंधन बोनस पूल है। वो जो 62% के बारे में बात कर रहा था ना, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 62% का टोटल आएगा, यानी कि मोदी केयर का जितना भी टर्नओवर होता है बिजनेस वॉल्यूम के टर्म्स में, उतना सब कुछ वो अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग बोनस में बांट देते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आता है सेविंग ऑन कंजम्पशन एंड रिटेल प्रॉफिट। एक बात बताइए, पड़ोस की दुकान से सामान खरीदते हो, आप दुकान पे जाते हो, प्रोडक्ट पसंद करते हो, दुकानदार को बताते हो, वो आपको MRP बताते हो और आप उसके उतने पैसे देके घर वापस प्रोडक्ट को ले आते हो। जैसे आप मोदी केयर में MCA नंबर बनाते हो, आपको सबसे पहली बात MRP पे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है प्रोडक्ट, DP पे मिलता है प्रोडक्ट, और वो लगभग 15-20% जो है वो MRP से कम होता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, DP है, तो 20% उसका रिटेल प्रॉफिट होता है उसमें और MRP 120 रुपए होती है। यानी कि अगर प्रोडक्ट मैंने घर पे इस्तेमाल करा, 120 रुपए की MRP का प्रोडक्ट मेरे को 100 रुपए में पड़ गया, तो यानी कि ये करीबन 20% की मेरी सेविंग हो गई। और अगर मैं मोदी केयर के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में अपनी खेती बाड़ी की उपजाऊ जो है, जो टर्नओवर जो है वो बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स जो है, उनके बारे में किसी और को बताता हूँ, तो उनको MRP पे दे सकता हूँ और एक रिटेल प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये सबसे पहली मोदी केयर की सेविंग्स एंड रिटेल प्रॉफिट की इनकम है। बट सेविंग यहीं पर ही नहीं रुकती, एक और प्रोग्राम चलाते हैं मोदी केयर जिसको कहते हैं रॉयल्टी ऑफर। ऐसा कभी हुआ है दोस्तों, दुकान में गए, बास्केट ली, सामान डाला, बिलिंग वाले व्यक्ति के काउंटर पे रखा और बिलिंग वाला बोलता है, अरे सर, अरे मैम, आप तो पिछले 6 महीने से लगातार हमसे प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हो, आज की आपकी परचेज एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री, मुफ्त में ले लो। सुनने में भी मजाक लगता है ना कि भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, घोड़ा घास से दोस्ती थोड़ी ना करता है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है। MBA में था ना तो पढ़ाया गया था एक लॉयल कस्टमर बहुत जरूरी होता है एक कंपनी के लिए, क्योंकि वो बार बार उसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं।
मगर उस लॉयल कस्टमर को भी तो फायदा होना चाहिए ना उस लॉयल्टी का। तो मोदी केयर ने यही कर रखा है। अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स 25 तारीख से पहले कम से कम 2500 रुपए के खरीदते हो 6 महीने लगातार, तो 7वें महीने आपको प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं आपकी पसंद के अप टू ₹5000। ये 6 महीने की एवरेज परचेज ली जाती है और 7वें महीने वो फ्री में दी जाती है। यानी कि अगर मैंने 6 महीने 5000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे तो 7वें महीने जो है मेरे को 5000 रुपए के प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे, है ना? अमेजिंग लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं उसको। और मोदी केयर के सेविंग्स और इन्हीं सब से क्या फायदा होता है हमारे को मार्केट से जब कंपेयर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। मार्केट वर्सेस मोदी केयर, मार्केट में एमआरपी पे मिलता है, यानी कि 6000 रुपए का प्रोडक्ट 6000 रुपए का ही पड़ा, मोदी केयर में वही 5000 रुपए का पड़ता है, डिस्काउंट मिलता है, 6000 रुपए हमने 6 महीने में बचा लिए। रीपर्चेज ऑफर मार्केट में होता नहीं है, मोदी केयर में एक रीपर्चेज ऑफर होता है, जो क्या 1000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदे तो करीबन 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 2000 का खरीदा तो 200 रुपए का एक प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट फ्री, 3000 रुपए का खरीदा तो 300 रुपए का एक प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट फ्री, 5000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे तो 500 रुपए के करीब प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स फ्री एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं। यानी कि हर महीने 500 रुपए की बचत कर पाते हैं, 6 महीने में 3000 रुपए जो है बचा लेते हैं। लॉयल्टी ऑफर मार्केट में होता नहीं है, मोदी केयर में हर 6 महीने में 5000 रुपए का मिल जाता है। कैशबैक मार्केट में होता नहीं है, मोदी केयर में 7 से 16% का एपीबी बोनस मिलता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एवरेज 5% ले रखा है, 5000 रुपए का 5% जो है 250 होता है, 6 महीने में 1500 रुपए बचा लिए। यानी कि मार्केट में जो है 36000 रुपए खर्च हो रहे थे, मोदी केयर में सिर्फ 30000 रुपए हमने खर्च करे और 15500 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमारे को, बेनिफिट हो गया हमारे को। यानी कि जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की एमआरपी होती है उससे करीबन 40-45% डिस्काउंट पे हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं, और सिर्फ एक एमसीए नंबर, फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीए नंबर बनाने से हो जाता है। और फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपकी पड़ोस की दुकान से सामान खरीद के आप कभी गाड़ी नहीं ले सकते। हो सकता है दुकानदार ले ले, या हो सकता है वो एक कोला का वो कोई एड हो जिसमें ढक्कन के पीछे लिखा कोड हो, एसएमएस करो तो गाड़ी फ्री में मिल जाए, तो वो हो सकता है। बट मोदी केयर में हर रोज 5 लोग जो है वो मोदी केयर के कार फंड से जो है गाड़ी खरीदते हैं। 7000 लोग हर साल देश विदेश की यात्रा पे, डोमेस्टिक ट्रिप्स पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। दोस्तों पड़ोस की दुकान से सामान खरीद के कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पर लोग अपनी घर की दुकान बदल के मार्केट से अपनी पास की दुकान से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वही मोदी केयर से खरीद के, वही नहाने का साबुन, वही बालों में लगाने वाला शैम्पू उधर से खरीद के अनलिमिटेड सक्सेस भी पा चुके हैं। ये पावर है मोदी केयर की। 40-45% हम सेव कर पाते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की एमआरपी पे सिर्फ और सिर्फ फ्री में ज्वाइनिंग करके। जरा एपीबी के बारे में बात करी थी, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते आते हैं। मैंने बताया मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में एमआरपी होती है जिस पे आपको नहीं खरीदना होता, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदते हो। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम डीपी का लगभग 50% से 60% के बीच में होता है। और जैसे ही हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं और 27 BV की परचेस करते हैं, यानी करीबन 50 रुपए की परचेस करते हैं, हम 7% पे हो जाते हैं। यानी कि करीबन बीवी का 7% जो है वो एक एस कैशबैक जो है हमारे बैंक अकाउंट में आने लग जाता है, महीने के आखिर में कंपनी हमारे को देती है। जैसे जैसे हम परचेस करते जाते हैं, हम जैसे हमारी परचेज होती है, हम लोगों को बताते हैं, वो परचेज करते हैं, तो हमारी जैसे कंपनी जो है उसका अकाउंट रखती है और महीने दर महीने जोड़ के अपने पास रखती है। और जैसे हम 8127 BV की परचेज कर लेते हैं, हम 10% हो जाते हैं। 32427 की कर लेते हैं, 13% हो जाते हैं। 72927 BV की परचेज कर लेते हैं तो 15% पे आ जाते हैं। और 108027 BV की परचेज कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 16% पे आ जाते हैं, एक डायरेक्टर कराने लग जाते हैं। और जो भी हम पर्सनल परचेज करते हैं उस पे 16% के रिटर्न के हम हकदार होते हैं। बट आप बोलोगे 108027 BV यानी करीबन 200000 रुपए की परचेज करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, डेली के यूज के प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स यही तो खास और इनक्रेडिबल बात है, जिस भी व्यक्ति को आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो उन सब की परचेज आपके इसमें जुड़ती है। अब आप सोचिए आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, आपकी किट्टी पार्टी की फ्रेंड्स, वो सब अगर अपने घर का डेली का सामान यहाँ से खरीदे तो 200000 रुपए का वॉशिंग पाउडर जो है वो कितनी सी देर में खरीद लिया जाएगा, या 200000 रुपए की नहाने की साबुन कितनी सी देर में खरीद ली जाएगी। वो परचेस करेंगे, वो 7% पे है, आप 16% पे हो, अब उनकी परचेस को का उनको 7% मिल जाएगा, उनकी परचेस का आपको 16-7 9% आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल सिस्टम के हिसाब से,
है ना, अमेजिंग। सिर्फ और सिर्फ दुकान बदल के हम हर कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करता है दोस्तों, हम हर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमें पसंद आता है तो हम दोस्तों को बताते हैं। सिर्फ वो ही करने से इनकम जनरेट करने का मौका मोदी केयर हमारे को देती है। बट आप मेरे को बोलेंगे निशान जी हम 16% पे पहुंचे हैं, जो लोग जिनके जिनको हम बता रहे हैं वो भी तो कभी ना कभी 16% पे पहुंचेंगे, वो भी तो डायरेक्टर बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या मौका देती है मोदी केयर हमारे को? फिर फ्रेंड्स मोदी केयर एक 4% का डायरेक्टर बोनस पूल कमाने का मौका देती है। आप 16% बन गए, आपने लोगों से बात करी, आपने खुद परचेज करा, उनकी भी घर की दुकान बदली, आपकी भी घर की दुकान बदली, आप 16% बन गए। और जब आपने महीने का 1250 PGPV करा, यानी कि 33,750 बिजनेस वॉल्यूम करा फ्रेंड्स, तो आप ये मोदी केयर का जितना भी टर्नओवर होता है ना महीने का, उतने के 4% के पूल के हकदार बन जाते हैं, और सिर्फ क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को वो दिया जाता है। ये एक और तरीके की इनकम जो है वो आपको मिलने लग जाती है ना अमेजिंग। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की घर की दुकान बदल के हम इतनी तरीके की इनकम जो है वो जनरेट कर पाते हैं। बट आप फिर से बोलोगे कि निशान जी हम 16% हुए, वो भी 16% हो गए, हमने डायरेक्टर बोनस पूल कमाने लग गए, वो भी तो डायरेक्टर बोनस पूल कमाना चाहेंगे, वो भी तो ये इनकम कमाना चाहेंगे, फिर क्या होगा? फिर फ्रेंड्स मोदी केयर हमारे को मौका देता है लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन की वो जो सीढ़ी है उसको चढ़ने के लिए। हम खुद डायरेक्टर बनते हैं जब हम 33,750 PGPV कर लेते हैं, 16% पे आ जाते हैं, जैसे हमारे नीचे एक और डायरेक्टर आ जाता है और साइड का हम 1100 PV करते हैं, एक PV 27 BV के बराबर होता है, हम सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, दो कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तीन कर लेते हैं SED बन जाते हैं, और जब 14 लोग हमारे नीचे डायरेक्टर हो जाते हैं हमारी अलग अलग लेग्स में, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हमारे को खिलाया जाता है, और मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल है ये। 14 लोगों की जिंदगी बदल के उनको एक बिजनेस सिखा के हम मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल अचीव कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना अमेजिंग। कितना ज्यादा अमेजिंग है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म कि दूसरे अर्न कर रहे हैं, आप दूसरों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और उनके साथ मिलके ग्रो कर पा रहे हो। उसके बाद जैसे हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, एक 14% का टीम बिल्डर बोनस पूल हमारे को मिलने लग जाता है। जब ये हम कमाने लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है ये जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट देने लग गया है। जब एक व्यक्ति बिजनेस सेटअप करता है, अपना सब कुछ लगाता है, एक नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है ना कि दुकान खड़ी करता है, उसके अंदर फर्नीचर लगाता है, उसके अंदर एम्प्लॉयर करता है, कंप्यूटर टेबल ये सब लगाता है, कमाई नहीं चालू हुई भी होती। फिर जब कमाना चालू करता है, जब प्रॉफिट होने लग जाता है, जब प्लस में जाने लग जाते हैं, ये आप समझ लीजिए ये वो प्लस में जाने वाला सिस्टम है। बिना वो किसी फर्नीचर पे खर्चा करे, बिना दुकान का किराया दिए, वो सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये वो हायर 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 ग्रोथ का पार्ट हो जाता है। ये सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव को दिया जाता है फ्रेंड्स, और बहुत बढ़िया बोनस है ये मोदी केयर का। 14% जो है मोदी केयर के टर्नओवर का इसके लिए रिजर्व किया जाता है। एंड जब ये हम कमाने लग जाते हैं तब हम सेट जो है अच्छे खासे प्रॉफिट को हम बनाने लग जाते हैं मोदी केयर में। माइंड यू जब मैं प्रॉफिट कहता हूँ तब इसका मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करा हुआ प्रॉफिट, हमने जो टाइम दिया होता है उसका प्रॉफिट। उसके बाद एक 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलने लग जाता है, और ये उनको मिलता है, नाम नहीं है, लीडर्स को मिलता है। जब हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं हमारे नीचे एक डायरेक्टर लेग होती है, साइट का 1100 PV होता है, वो डायरेक्टर लेग का 3600 GPV होता है, यानी करीबन करीबन 1,00,000 BV आ रहा होता है, यानी कि हमने उनको आगे बढ़ने में मदद कर रखी होती है बिजनेस में, हम लीडर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो ये बोनस हमारे को मिलने लग जाता है। मोदी केयर का सबसे बड़ा बोनस है ये, हाईएस्ट अर्निंग बोनस है। और दोस्तों जब ये मिलने लग जाता है ना, तब हम जो कपड़े पहनते हैं ना, जिन दुकानों से कपड़े खरीदते हैं वो दुकानें बदल जाती है, हम जिस रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं हमारी फैमिली के साथ वो बदल जाता है, हम एक बिजनेसमैन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हमारी लाइफ को, ये बोनस जब हम कमाने लग जाते हैं। एक 3% का ड्रीम ट्रैवल बोनस मिलता है हमारे को, जैसे हम सीनियर डायरेक्टर मिलते हैं मोदी केयर इस ट्रैवल फंड को अपने पास रखता है, और जैसे ही कोई ट्रिप अनाउंस करता है डोमेस्टिक इंटरनेशनल इस ट्रैवल फंड से हमारे को लेके जाता है। एक जैसे ही हम SED मिलते हैं तो एक ड्रीम व्हीकल बोनस पूल का हम पार्ट बनने लग जाते हैं। 3 महीने का क्वालिफिकेशन होता है इसका, जैसे ही 4th महीने हम क्वालिफाई करते हैं हमारे इकट्ठा होने लग जाते हैं, और जब हम एक सपनों की गाड़ी हमारी खरीदते हैं तो ये मोदी केयर का कंपनी जो है वो हमारे को हेल्प करती है उसकी डाउन पेमेंट में एंड आगे आने वाली पेमेंट्स के लिए। जैसे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते हैं, यानी कि 6 डायरेक्टर लेग हम बना लेते हैं, तो 3% का ड्रीम होम बोनस पूल कमाने लग जाते हैं। ये हमारे डे टू डे नीड्स जो होती है, जो हमारे सपनों का जो घर का वो जो सपना होता है
उसके लिए मोदी केयर हमारे को देता है, और फिर 2% का अटूट बंधन बोनस पूल जो है हम कमाने लग जाते हैं जब हम मोदी केयर के टॉप 3 लेवल पे होते हैं। जब हमने ठान लिया होता है कि मोदी केयर के मिशन को आगे से आगे बढ़ाना है, लोगों को बताना है, तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को ये मिलता है। इसमें एक कैच है, इसकी 21 लाख रुपए की कैपिंग है दोस्तों। इस बोनस से कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 21 लाख रुपए कमा सकता है, जो करोड़ों लोग महीने का आज की तारीख में कमा रहे हैं, वो सब बाकी जो ऑफर्स हैं, बाकी जो इनकम्स हैं, उन सबको मिला के होता है। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो पहले इनकम के बारे में बात करी थी, वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एक ऐसा बिजनेस करने का हमारे को मौका मिलता है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक नोबल कॉज ऑफ बिजनेस है, और क्यों ना करें। हम सब ने कोरोना में देखा है कि कितनी जॉब लॉसेज हुई है। आज फिर से बाहर दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल बंद है, टूरिज्म खत्म हो गया है, बंद हो गया है फिर से, बार बार हमारे को स्थिति देखनी पड़ रही है। तो क्यों ना एक ऐसा बिजनेस करें जो इस सबसे इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि मोदी केयर ने इस कोरोना के टाइम में पिछले साल में अपने कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट मंथ्स देखे हैं। 200 करोड़ से ज्यादा महीने का टर्नओवर हो गया है, 50 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं मोदी केयर में, हर रोज 10,000 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, 5,000 शहरों से ज्यादा में हम पहुंच चुके हैं, 5 लाख स्क्वायर फुट का वेयर हाउसेज है, 17,000 पिन कोड्स पे हम डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, और 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स यानी कि जहां पर आप जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हो, 10,000 से ज्यादा है, 14 प्रोडक्ट कैटेगरी है, 300 ज्यादा प्रोडक्ट है, 700 ज्यादा एसक्यूज है, 7 प्रोडक्ट हर सेकेंड बेचे जाते हैं, एंड 5,800 टन 1,000 किलो मिलके बनता है एक टन, और हम 5,800 टन हर महीने प्रोडक्ट की सेल करने लग गए हैं। Isn't that amazing? और ये सब करने के लिए हमारे पास सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर है, एक ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमारे को मदद करता है। एंड फ्रेंड्स, जिस प्रेजेंटेशन की शुरुआत जिनके शब्दों से करी थी, उन्हीं के शब्दों के साथ अंत करूंगा। एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू, यानी कि आप अपने सपनों के लिए जितने कदम चलने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक कदम लेते हैं तो वो 2 कदम लेंगे, ये समीर मोदी जी का प्रॉमिस है। और अगर एक व्यक्ति ऐसे प्रॉमिस के साथ हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि हम इस बिजनेस को अपनाए, समझे और आगे बढ़ाए। ये था मोदी केयर का प्रेजेंटेशन, बट 2 और चीजें इस मीटिंग में आपके साथ करने वालों। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट से रूबरू कराने वाला हूँ। मैंने बात करी थी शॉर्ट में उनके बारे में, बट प्रोडक्ट तो ऐसी चीज है जो देख के ही मजा आता है। तो आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, दिखाया जाएगा कि कैसे वो मोदी केयर के प्रोडक्ट जो है मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये दिखाया जाएगा। हर एक प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे हैं, बट जैसे कहते हैं ना, चावल पके कि नहीं वो 2 चावल जो है वो हाथ में लेकर बता सकते हो, वैसे ही मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स। और उसके बाद कुछ ऐसे इनक्रेडिबल लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने इस मोदी केयर के बिजनेस को अपनाया है और अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं, सफल हो गए हैं इस मोदी केयर के बिजनेस में, करियर सेट हो गया है, लाइफ सेट हो गई, खुद की नहीं आगे आने वाली पीढ़ी की। थोड़ा सा उनसे परिचय कराऊंगा, उनसे बात कराऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण जी, जैन जी को। प्रवीण मैम, आपका स्वागत है स्क्रीन पे, ओवर टू यू। थैंक यू निशांत सर, थैंक यू गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रवीण जैन है और मैं आपको आज मोदी केयर का, जैसे कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स के देख के पता चलेगा कि बाजार से कैसे बेटर है, तो मैं आपको अपने मोदी केयर के बेस्ट प्रोडक्ट सोप वॉश का डेमो दिखाने जा रही हूँ कि ये हमारा मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये 2 बॉडियां ले ली हैं जिनको मैं जिनके अंदर गंदगी क्रिएट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये 2 बॉडी गंदी कर दी हैं। इसके अंदर मैंने बैक्टीरिया क्रिएट किया है जिससे आप ये पानी गंदा हो जाएगा। और मैंने ये सोप लिया है, एक ये बाजार का जाना माना प्रोडक्ट है, इसको मैं डाल रही हूँ एक में, ये देखते हैं हमारी बॉडी को कैसे क्लीन करता है। और दूसरा हमारा मोदी की ओर का सोप वॉश है, उसको मैं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। ये मैंने मार्केट के प्रोडक्ट को घुमाया है, साफ किया, देखते हैं कितना वर्क करता है। और ये हमारे मोदी केयर का। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस समय गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है पसीने से, धूप से, और हमारी बॉडी पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, घमौरियां निकली आती है। तो बाजार के एक साबुन से वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी, हमें बाजार में लाइफ बॉय यूज करना पड़ेगा, डिटॉल यूज करना पड़ेगा, डव यूज करना पड़ेगा, तब एक हमारा कंप्लीट बात होगा। बट मोदी केयर के पास फ्रेंड्स एक 3-in-1 प्रोडक्ट है, इसके अंदर डिओडोरेंट है, इसके अंदर प्रोटेक्शन है और इसके अंदर मॉइस्चराइजर है। इस सोप से आप नहाएंगे तो आपकी बॉडी कंप्लीट बाथ मिलेगा और आपको ये सारी प्रॉब्लमों से छुट्टी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे मोदी केयर के इस प्रोडक्ट ने बहुत ही लाजवाब डेमो दिखाया है और ये बाजार का प्रोडक्ट है, ये एज इट इज है। इसके अंदर और इसके अंदर आपको फर्क बाजार क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो थैंक यू सो मच निशांत सर।
थैंक यू मैम इतने सिंपल तरीके से इतनी इफेक्टिव बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हम बुलाना चाहेंगे शांति रावत जी को। शांति देखिए, मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शांति रावत है और मैं भी मोदी केयर से जुड़े बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन का डेमो है जिसकी हर घर को जरूरत पड़ती है अपने घर को साफ करने की, क्योंकि हम रोज अपने घर में सफाई करते हैं और उस सफाई को बिल्कुल अच्छे से करने के लिए हमें जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है वो है हमारे स्टेरी क्लीन। फ्रेंड्स मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। यहाँ पर दो ग्लास लिए हैं और यहाँ पर मैंने इक्वल इक्वल पानी डाला क्योंकि अब हमें क्रिएट करके दिखानी है थोड़ी। तो स्टेरी क्लीन एक हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है। WHO कहता है कि 5 BKC से ज्यादा जो है वो एक फ्लोर क्लीनर में होना चाहिए, उस जैसे कि वो हाइजीनिकली किसी सरफेस को क्लीन कर पाए। मोदी केयर के प्रोडक्ट में 12 है, मार्केट में लीडर्स हैं, जो लीड सेलिंग फ्लोर क्लीनर्स हैं उनमें 2-3% होता है, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। उनकी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स को देख के हम उनके तरफ खींचे चले आते हैं बट असलियत में हमारे घरों को ढंग से साफ नहीं कर पाते उनको खरीद के। मोदी केयर का ये प्रोडक्ट ये सब प्रॉब्लम हटाता है। तो थैंक यू शांति। फ्रेंड्स चलते हैं मेरे इस इवेंट के फेवरेट पार्ट पे, उन लोगों से मिलने, उन लोगों के बारे में जानने जो इस बिजनेस के साथ आज सफल हुए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड के लोग हैं और उम्मीद ये है जब आप इन सबको सुने, देखें, समझें तो आप किसी ना किसी में अपने आप को देखें कि जहां से आज आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, जिस यू नो लाइफ के डिसीजन पे आप खड़े हैं, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, कभी ये भी आपकी जगह पे ही खड़े थे, आपकी तरह ये भी इनके सामने भी अपॉर्चुनिटी आई थी और अगर वो सक्सेसफुल हो सके दोस्तों तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत इनक्रेडिबल रोल मॉडल, आइडल, एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल, मिसेस फाल्गुनी त्रिवेदी जी को, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। फाल्गुनी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ दोस्तों मेरी हेल्प करिए मैम को इनवाइट करने में। मैम स्टेज इज योर्स, वेलकम। थैंक यू सो मच निशांत सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, थैंक यू सो मच अगेन। दोस्तों मेरा नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, मैं गुजरात बड़ोड़ा से बात कर रही हूँ, मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। दोस्तों 7 साल पहले इस बिजनेस को शुरू करा, उससे पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, 40 साल घर में बिताए थे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई देखना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, उनके लिए छोटी छोटी बचत जो हमारी सब्जियों लेने में, फल लेने में या बचत करके जो भी हमारे पैसे बचते थे उससे बर्थडे पे गिफ्ट करना अच्छा लगता था। एक अच्छी खासी लाइफ को जी रही थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद जिस वक्त इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को देखा तो जैसे सपने कोई थे नहीं, ना ऐसा कभी कुछ सोच में था कि मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरी लाइफ तो पता नहीं किस मोड़ पे जा रही है। जैसे ट्रेन में धक्के मार के बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और लाइफ पास होती है, वैसे पास हो रही थी। दोस्तों इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा, सुना और मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सुरेखा मैम को सुना था, ऐसा लगा कि नहीं अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ। उस सोच में से अपने आप को बाहर निकाला, मेहनत करी, इस प्लान को जो समझा था उसे समझने के बाद जो भी चीजें सीखने को मिली उसे इम्प्लीमेंट करा, हर वो चीज जो मैं कर सकती हूँ, इम्पॉसिबल जो लगता था उसको आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया। और दोस्तों आज ये हाल है कि 9 फॉरेन टूर कर चुकी हूँ, अपनी टीम के साथ गई हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों इसके अलावा लगभग 7.5 से लेके 10 लाख तक का इनकम मैं रेगुलर मंथली बेसिस पे ले रही हूँ, मैं अकेली ले रही हूं ऐसा नहीं है। दोस्तों एक सिंपल हाउसवाइफ क्या कर सकती है, ये मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे आज प्रेजेंट करने का मौका मिला है तो बताना चाहूंगी। जिसकी सोच 7,000 कमाने की तक की नहीं थी, कितना मिलेगा पता नहीं था, ये बिजनेस को बस कर सकते हैं एक विश्वास के साथ शुरू करा था और आज 7.5 से 10 लाख पर मंथ का इनकम, और वो भी कोरोना जैसे सिचुएशन में। दोस्तों सिर्फ मेरा नहीं, मेरी टीम में कई लोग 6.5 लाख, 5.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 1 लाख कमाने वाले तो काउंट नहीं कर सकते और 50,000 से ज्यादा के इनकम के तो अनबिलीवेबल काउंटिंग है दोस्तों। तो ये सब कहां से मिला, ये एक सही प्लेटफॉर्म, और सही प्लेटफॉर्म को चूज करने के बाद
कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी से उस पर काम किया। तो दोस्तों आज पर्सनालिटी में भी आपके सामने हूँ, जो सिंपल सी हाउसवाइफ थी आज आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जूम पर, और सबसे बड़ी बात सुरेखा मैम और निशान भार्गव जी मेरे साथ आज है। अल्पेश गज्जर सर के गाइडेंस से मैंने ये बिजनेस को शुरू करा था दोस्तों, उनका बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। मेरे सारे गुरुओं को शत शत वंदन, थैंक यू सो मच ऑल गुरु। और दोस्तों समीर मोदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमें प्रदान किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू फाल्गुनी मैम, इतनी सी देर में इतनी पावरफुल आपकी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करने में। ट्रूली मैम आपने बोला, आपने किसी को देखा और सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और आज आप खुद ऐसा एग्जाम्पल हो कि आपको देख के लोग ये कह सकते हैं कि अगर फाल्गुनी मैम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। वही विश्वास आप दूसरों में जगा पाते हो। एंड दोस्तों, 7.5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम आपके सामने, जो व्यक्ति जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है वो 130 करोड़ में से वो एक 97,000 हिंदुस्तानियों में से एक व्यक्ति हैं जो ये इनकम कमा पाते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, नॉट हैविंग वर्क एक्स, नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को कर सकती है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनेशन रखी, उन्होंने जो बातें कही कि जब भी सीखने का मौका मिला सीखा, इम्प्लीमेंट करा, इन सब प्रिंसिपल्स पे उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड करा, एंड आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी बन के खड़ी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ शेयर करने के लिए। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट अचीवर से मिलते हैं, जागृति पाटिल जी से, जो कि हाउसवाइफ हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, मोदी के बिजनेस बढ़ करिए। जागृति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ जागृति राजेंद्र पटेल, और लास्ट 2.5 साल के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म मोदी केयर के साथ जुड़ी हुई थी हुई हूँ। और जब शुरू किया था इस बिजनेस को 2.5 साल पहले, तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी और जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी। बड़े बड़े सपने थे, कुछ तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें। उस दौरान मोदी केयर के वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट हमारे सामने आए और सोचा ये प्रोडक्ट यूज करने से जिंदगी बदल सकती है, चलो यूज करके देखते हैं। और इतना डिसीजन लेना फ्रेंड्स, मेरी लाइफ बदल दी 2.5 साल के अंदर अंदर। पहले जो चेक की इनकम की बात करूं तो 579 रुपीज के छोटा सा चेक से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और लास्ट मंथ का पे आउट था 1,57,000। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2.5 साल में 90 डिग्री मेरी लाइफ में परिवर्तन आया। 2.5 साल पहले मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, करीबन 2 से 5 लोगों के बीच बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज बड़े बड़े लोगों के सामने इजीली बोल पाते हैं, ये ताकत है, ये पर्सनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की बदौलत आई है। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं हमारे 1.25 करोड़ के घर में शिफ्ट होने जा रही हूँ, और वो सिर्फ और मोदी केयर की बदौलत हुआ है। और बात करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे जो बोलते हैं ना वो होता है। तो मुझे इसी साल कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में मेरे टीम से 10 लोगों को कार अचीव करवानी है, और 2L21 का जो हमारा मिशन चल रहा है उसमें मुझे 5 लोगों के साथ उसमें शामिल होना है। तो एक सिंपल हाउस वाइफ में से ये मेरा जो लाइफ में परिवर्तन आया है उसके लिए मैं अपने अपलाइन का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, और साथ ही बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी मिस्टर समीर मोदी सर का, हाँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हम आम इंसान के लिए, हम आम लेडीज के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वाकई में मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग है। तो आप जितने भी लोग नए हैं वो उन लोगों को भी ये मौका मिल सकता है। तो विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, इतनी इनक्रेडिबल स्टोरी। दोस्तों 2.5 साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। एक व्यक्ति 4 साल इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद 2 साल MBA करता है, फिर उनको 50-60,000 रुपीज की शायद से किस्मत अच्छी होती है तो जॉब मिलती है, उसके बाद वो 1.5 लाख रुपए तक पहुंचने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। वो जो 15 साल एक व्यक्ति को लगते हैं, जागृति मैम ने अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से, इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म, यूनिक प्लेटफॉर्म की वजह से वो 2.5 साल में अचीव कर लिया। वो ही नहीं, अपनी लाइफ नहीं चेंज कर रही, अपने लिए सपने नहीं देख रही,
टीम के लिए भी देख रही है, 12-2-1 ये जो मिशन है उसमें अपनी टीम को लाने का इनका भरोसा है, इनकी उम्मीद है, एंड डेफिनेटली मैम वो बिल्कुल ट्रू होगा। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मगर हमारे नेक्स्ट अचीवर से मिलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर किसी से। दोस्तों हम गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों की कहानियों से मिलाना चाहते हैं। अपना टेस्टिमोनियल आप ट्राई करें, 1 से 2 मिनट के अंदर हो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे जो गेस्ट हैं, टाइम का क्रंच रहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ काम होता है, जो टाइम के क्रंच की वजह से ज्यादा लोगों से हमारे गेस्ट मिल पाए, से ज्यादा विश्वास बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हो। तो रिक्वेस्ट करता हूँ 1 से 2 मिनट के बीच में अपना टेस्टिमोनियल रखिए। हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो है दिनेश यादव जी हैं, जो फार्मर थे, एक पिलर हैं इकोनॉमी के वो, और अब प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं मोदी केयर में, दिनेश सर थैंक यू सो मच। निशान सर बेसिकली बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हूं और किसान परिवार से हूं। आज से 30 महीने पहले मोदी केयर मैंने देखा था और बहुत छुटाव से हूँ, पर जैसे हम लोग लोगों के साथ में जाते हैं, और मोदी केयर के परिवार को जब मैंने देखा और बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि सिंपल से मैं खेती में काम करता था और उस दौरान मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने को मौका मिला था और मैंने लगातार काम किया, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, पर सर मैं यकीन ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला 30 महीने के अंदर। पहला मेरा मोदी केयर से जो चेक आया था 310 रुपए का, और उस चेक को देखने के बाद में मुझे खुशी भी हुई थी और थोड़ा दुख भी हुआ था, क्योंकि बहुत छोटा सा चेक था, पर मेरी अप्लाई ने मुझे बोला कि आप भरोसा करके काम कीजिए। और जैसे कि हम लोग हमारे सीनियरों के चेक देखते हैं, अल्पेश सर के चेक, रवि सर के चेक, सुरेखा मैम के चेक, तो काम करते जाते थे। मैं 1,25,000 रुपए आज टॉप करता हूँ, क्योंकि नहीं बनाया था मैंने, और उसके साथ साथ मैं मेरा घर का सपना है 2 करोड़ का मेरा, और ये सब कुछ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म और एक वैसे हुआ। आज जो भी लॉकडाउन में हमारा बिजनेस, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मैम का है, जिनके पूरे वीडियो, पूरे सेशन को मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ और टीम को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी। फ्रेंड्स दिनेश जी का आपने सुना, एक फार्मर, किसानी करते करते, वो खेती बाड़ी करते करते इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनको मिली, 1,25,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए हैं 30 महीने के अंदर। माय गॉड कितना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने करा है। कहीं से भी शुरुआत हो, क्योंकि उनका आपने डिटर्मिनेशन देखा, वो लर्निंग के अंदर बिलीफ रखा है उन्होंने, इस बिजनेस के अंदर बिलीफ रखा। वो जो पहले महीने का चेक 300 रुपए तो बहुत ज्यादा आया इनका, मेरी मदर का जो आज की तारीख में 1,25,000 रुपए महीना कमाती है, उनका भी 160 रुपए का ही आया था। तो थैंक यू दिनेश जी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने रखने के लिए, अपना बिलीफ मजबूत रखने के लिए, एंड उसी की वजह से हम आपको आज सुन पाए इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट अचीवर आशीष श्रीखंडे जी। कितने दोस्तों, मेरा नाम आशीष श्रीखंडे है, मैं भी MP बुरहानपुर से हूँ। थैंक यू सो मच माई ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि सर, मिस्टर नितेश भगत सर, मिस्टर महिपाल सर एंड मिस्टर अल्पेश सर। अगर ये लोग नहीं होते मेरे लाइफ में तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। फाइनल ईयर था, लास्ट ईयर मेरा चल रहा था, लास्ट ईयर BSc विद कंप्यूटर साइंस मैंने किया हुआ है, एग्जाम चल रही थी, उसी बीच में मोदी केयर मुझे मिला, रजिस्ट्रेशन कर लिया था, पार्ट टाइम में धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड कर रहा था। पहला पे आउट मेरा मोदी केयर से जनरेट हुआ था 140 रुपए का, और माय डियर फ्रेंड्स अभी मोदी केयर को बिल्ड करने में ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये आई थिंक दूसरा साल है, जिसमें से एक साल तो कोरोना में ही चला गया। सो पहला पे आउट मेरा 140 का था, हाईएस्ट पे आउट मेरा बना मार्च का, जो था 1,85,000 का। और अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो अब तक मेरे अकाउंट्स में इन 2 सालों में लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। एज वेल एज मोदी केयर से मैंने 2 फॉरेन गुड्स भी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें मलेशिया एंड हांगकांग एंड मकाउ। सेकेंड इज कंपनी की ओर से कार फंड से मैंने 3 लाख की रॉयल एनफील्ड मैंने मोदी केयर से ही खरीदी है, और आज डे बाय डे बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कार फंड से कार क्वालिफाई कर चुके हैं और मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाओ आशीष जी, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। 2 साल आपने इस बिजनेस को दिए हैं, उसमें से 1 साल कोरोना में चला गया, और उसके बाद
ये सक्सेस, खुद की पसंद की बाइक रॉयल इनफील्ड अपने आप को आपने गिफ्ट करी है, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जो है वो ले चुके हैं, 30 लाख रुपीज, 2 साल में 30 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, वो हिंदुस्तान के जो लखपतियों का जो नंबर है उसमें आ चुके, जो 0.02% है हिंदुस्तान का उसमें आ चुके हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर आनंद बाफना जी की तरफ। आनंद मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सुरेखा मैम एंड निशांत सर को कि उन्होंने मुझे आज के इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी सेशन में बोलने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है आनंद हेमराज बाफना, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। दोस्तों मैंने मोदी केयर को 2020 से स्टार्ट किया और मुझे मोदी केयर में लाने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन सारिका कांकरिया मैम कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। और दोस्तों मुझे इस बिजनेस में स्टार्टिंग से करने के लिए बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन आते गए कि अभी तू छोटा है, तू पढ़े में रहने दे, तो ऐसे कई सारे रिजेक्शन आते गए। लेकिन मेरा एक पैशन था दोस्तों कि जैसे कि मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसके लिए मेरा एक पैशन था कि मैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारे जो भी कुछ रिजेक्शन आते थे उसको इग्नोर करते हुए मेरा एक पैशन की तरफ मैंने फोकस किया और दोस्तों आज इतनी बड़ी एक लेवल अचीव की मेरे टीम ने कि इस गए अप्रैल 2021 के मंथ में मेरी टीम से टोटल 100+ गोवा क्वालिफायर्स निकले दोस्तों। और मैं इसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन सारिका कांकरिया मैम, सेजल बाफना मैम, विजय सर, पायल मैम एंड अल्पेश गजर सर जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद। आनंद इफ यू डोंट माइंड आपका एज क्या है? मेरा 18 इयर्स का एज है सर अभी। थैंक यू। 18 साल की उम्र में 100 लोगों को लीड कर रहे हैं ये गोवा ले जाने के लिए, गोवा घुमाने के लिए। बहुत इनक्रेडिबल बात है आनंद, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां आपकी फिर से। एंड यू आर जस्ट 18 एंड 100 लोगों को आप गोवा लेके जा रहे हो, बाय द टाइम यू आर 28 1000 लोगों को स्विट्जरलैंड लेकर जा रहे होगे दोस्त। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर अरविंद शर्मा जी की तरफ। अरविंद जी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम अरविंद शर्मा, हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। पिछले 18 ईयर से फार्मेसी शॉप चला रहा हूँ दोस्तों। फार्मेसी से पहले मेरे काफी सपने जैसे हर किसी के रहते, मेरे भी थे कि मैं दोस्तों के साथ घूमू फिरू मस्ती करूँ। लेकिन ऐसी लाइफ मुझे मिली जिसको बोलते हैं फार्मेसी 24/7। मेरी लाइफ सुबह से लेकर शाम तक गुजरती गई। सपने जो थे वो तो मेरे साथ थे ही थे और मेरी जो इनकम थी मैं सोचा उससे पूरा करूंगा, लेकिन कंपटीशन और ये जो टाइमिंग बाउंडिंग ये सब मुझे लेके चल रहा था 18 साल से। और दोस्तों बहुत ही अपने आप को ऐसा फील कर रहा था शायद जो मैं चाहता वो नहीं हो रहा है। अचानक मुझे मोदी के का प्लेटफॉर्म मिला, लगभग 24-25 मंथ हो चुके हैं इसमें। उस प्लेटफॉर्म पे एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपकी उम्र क्या है उससे मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हो अगर वो स्क्रीन पे दिख रहा है तो। मुझे बहुत कुछ दिख रहा था उसमें, फॉरेन ट्रिप दिखा मुझे, बड़े बड़े शेख्स दिखे मुझे और सबसे बड़ी चीज दिखी कि आपका रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों 10/10 में मेरी जिंदगी गुजर रही थी, आज खुले आसमान में आपके सामने मैं बैठा हूं और मैं बता रहा हूं कि आज मुझे हजारों लोग सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मेरा जो सपना था फॉरेन ट्रिप वो पूरा हुआ, कार फंड मुझे मिला, हाउस फंड मिल रहा है, ट्रेवलिंग फंड मिल रहा है और सबसे बड़ी आजादी है वो पैसों की आजादी, तो धीरे 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 लाखों में कन्वर्ट हो रही है दोस्तों। तो मैं शुक्र करूंगा सभी का कि जो लाइफ में आपको चाहिए वो मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे है, बस डिसीजन खुद को लेना है। जो मैंने लिया था आज मैं इस बिजनेस से बहुत खुश हूँ और बहुत मजा आ रहा है मुझे कि मुझे काफी कुछ इस बिजनेस में डे बाई डे मिला है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू अरविंद सर। एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपने अपने लिए करियर तो बिल्ड कर ही रखा था, किसी ना किसी चीज में आप स्पेशलिस्ट थे ही, पर जैसा आपने कहा वो आसमानों की उड़ाई, वो सपने जो हैं जो पूरे करने थे उसके लिए आप मोदी केयर में हैं, मोदी केयर के साथ पूरे हो रहे हैं। थैंक्स टू योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, आपका विजन जो है आपने रख रखा है, जब भी आप बात करते हैं आपका विजन आप जरूर शेयर करते हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे अगले अचीवर मुकेश कुमार जी की तरफ। मुकेश जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। हेलो
फ्रेंड्स आई थिंक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हम मुकेश जी से आज मिल नहीं पाएंगे, आगे चलते हैं तस्नीम जी से मिलते हैं। तस्नीम मैम ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग और अगेन सर एक बार और मैडम के प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी अपनी बताती हूँ, ज्यादा कुछ तो किया नहीं है, सिर्फ 10 महीनों की जर्नी मॉडिकेयर के साथ रही है और उससे पहले भी वर्किंग थी, बिजनेस करती थी, एक दो होटल्स मेरे खुद के थे और उसके पहले भी बुटीक भी था। मतलब ओवरऑल हस्बैंड का बहुत सारा पैसा लगाया है, बहुत सारा, और वो पैसा लगाने के बाद फेलियर बहुत आए हैं। कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो फेलियर्स के लिए बिजनेसमैन को प्रिपेयर रहना पड़ता है, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इट्स ऑल डिपेंड्स। तो दोनों ही कंडीशन में मेरे साथ फेलियर्स रहे और फर्स्ट एक बुटीक का जो बिजनेस किया था 17 साल में उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन बहुत सारा पैसा लगाने के बाद। और होटल बिजनेस के अंदर तो सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था और कोरोना आ गया और बंद करना पड़ा, और उस ड्यूरेशन में मुझे मिला मॉडिकेयर। और बस एक ही बात, मतलब घर में ये बात थी कि हस्बैंड ने बोला आप पैसे नहीं दूंगा, और मॉडिकेयर उस वक्त खड़ा था बिना पैसों के साथ। मैंने सोचा ये पैसा तो लगना नहीं है, एक्सपीरियंस है, चल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया और 10 महीनों में अंडर द गाइडेंस ऑफ सुरेखा भार्गव मैम, उनका एक बहुत इंप्रेशन मेरे पे था कि एज अ लेडी वो इतनी बड़ी लीडिंग कर रही है, तो वो एक मन में था। उसके बाद एक गुरु मिले, रवि सर, रवि बूटे सर, जिन्होंने बहुत शानदार गाइडेंस दी, और उसके साथ साथ अल्पेश सर हर वक्त पे पॉलिश करते गए। और आज ये कंडीशन है कि 10 महीनों में, पहला महीने की बात करूं तो 770 रुपये आए थे, और हाईएस्ट पे लास्ट की बात करूं मंथ की तो 1 लाख रुपीज मेरा हाईएस्ट पे था 10 महीनों में, एज अ प्लेटिनियम डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर अचीव किया है इन 10 मंथ्स। और बहुत हैप्पी हूं कि इस बार जो बिजनेस किया है उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया है, कंप्लीटली 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस किया है, और बहुत बहुत सुकून है मन में कि ऐसा कुछ मिल गया है जो शायद जीवन में जिसकी तलाश थी। थैंक यू सो वेरी मच अगेन सर, ओवर टू यू। Thank you for that amazing and wonderful lockdown story. दोस्तों मैम ने 10 महीने ही हुए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करा, जहां से भी गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन एंड इंफॉर्मेशन मिली उसको यूज करा, जान लिया था बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, वो पहले करके देख रखे, चलिए आते हैं कुछ नया करके देखते हैं, एंड आज उन्होंने आपके साथ अपनी सफलता शेयर करी है। थैंक यू मैम एंड मोर सक्सेस टू यू इन दिस बिजनेस, थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स हम मुकेश जी को लोकेट कर पाए हैं, सो नेक्स्ट हम सुनेंगे हमारी सक्सेस स्टोरी मुकेश कुमार जी से। मुकेश सर ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ साल पहले दोस्तों मैंने एक फुटवेयर की शॉप डाली थी, सपने बड़े थे, बिजनेस करना चाहा क्योंकि सुना था बिजनेस में सपने पूरे होते हैं, लेकिन हुआ ये उल्टा, हम कुछ दलदल में फंसते गए दोस्तों, सपने अधूरे दिखने लगे। इसी पीरियड कुछ टाइम पहले, आज से 2.5 साल पहले, हमारे किस्मत में मोदी केयर आया, मैं मोदी केयर को ज्वाइन करा, हमारी सोच थोड़ी सी हमने बदला, मोदी केयर ज्वाइन करा। और पिछले 2.5 साल पहले दोस्तों हमने मोदी केयर ज्वाइन करा, हमने काफी कुछ पाया यहाँ से, खोया कुछ नहीं। अभी मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हूँ, मेरे टीम पे मुझे होम फंड आ रहा है दोस्तों, कार फंड मिल रहा है, और फॉरेन ट्रिप एक मिल चुका है दोस्तों, लगभग 5 डिजिट पर मंथ का इनकम भी करता हूँ, 6 डिजिट जाने वाला हूँ, 2,21,000 का जो मिशन है दोस्तों उसमें मैं सक्सेसफुल रहूंगा, दिसंबर तक मेरा इनकम जो है 2 लाख रुपए तक रहेगा, ये मेरा खुद से कमिटमेंट है। थैंक यू निशान भैया, ओवर टू यू। थैंक यू मुकेश सर। यस 2L21 में आपका इंतजार होगा, जो सफलता है ये आगे आगे बढ़ती जाएगी, एंड आपका इतना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड जो है, जो आपने लगा रखा है, जो मोदी के प्रोडक्ट्स हैं, उसी से हम सब मिलके इस लाइफ को चेंज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर प्रतीक्षा जी से मिलने, प्रतीक्षा शाह जी। प्रतीक्षा वाइफ थी, जब घर की सारी जिम्मेदारियों से फ्री हुई, लगा कि कुछ जॉब वगैरह करना चाहिए, तो उस समय अपनी एज क्रॉस कर चुकी थी जहां एज एलिजिबल जॉब्स मुझे नहीं मिल पा रही थी, फिर इस दौरान मोदी केयर जैसा बेहद खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे सामने मेरे मेंटर मिस्टर रवि सर लेकर आए, और उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि मैं आज फर्श से अर्श तक की मैंने एक जर्नी तय की है, बहुत कुछ नहीं लेकिन फिर भी 90,000 प्लस का इनकम मैं हर मंथ ले रही हूँ। और जहां पर हाउसवाइफ्स का एक सपना होता है अपने हस्बैंड्स को
उन्हीं के पैसों से हम लोग बहुत सी बार गिफ्ट कर देते हैं उनके बर्थडे पर या किसी स्पेशल ओकेजन पे। तो मेरा एक सपना था कि मैं अपनी इनकम से, अपने खुद की अर्निंग से अपने हस्बैंड को कुछ रिटर्न गिफ्ट करूं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ अपने हस्बैंड को बहुत एक कम कीमत में कह सकते हैं 25 लाख की जीप कंपस गिफ्ट करने जा रही हूँ, जो मेरा उनके लिए एक रिटर्न गिफ्ट रहेगा जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। और मेरे सभी मेंटर्स, जहां पर मैंने फर्स्ट टाइम सुरेखा मैम को सुना था और मुझे लगा था कि यस, हाउसवाइफ्स भी बहुत कुछ कर सकती है, ये इंस्पिरेशन जब मुझे बड़ौदा में पहली बार उनसे मिला था और मैंने सोचा था कि किसी दिन उनके प्लेटफॉर्म पर मैं आकर अपने मन की बात रखूं, तो आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों की सभी के वेल विशेस मेरे साथ है, जहां पर मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में आज अपने को एक्सप्रेस कर सकता। थैंक यू वेरी थैंक यू प्रतीक्षा मैम। यस, हाउसवाइव्स भी सब कुछ कर सकती है एंड आप एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतना स्वीट आपका टेस्टिमोनियल रहा, इतना सिंपल स्वीट बट एट द सेम टाइम ग्रैंड। सक्सेस नो डाउट बड़ी है, अचीवमेंट नो डाउट बड़ा है। थैंक यू सो मच मैम। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर की तरफ, किंजल सुहास प्रजापत जी से। किंजल जी। यस सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम किंजल सुहास प्रजापति है, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं भी टीचर थी, लेकिन आफ्टर शादी बोलते हैं दो बेटी हुई, फिर एक परफेक्ट हाउसवाइफ के सांचे में डल चुकी थी। आज से 1.5 साल पहले सितंबर 2019 में मुझे मोदी केयर का नाम पहली बार सुनने को मिला। इससे पहले ना मार्केट की नॉलेज थी, ना बिजनेस की नॉलेज थी, ना भी कोई कुछ भी नेटवर्क के बारे में पता नहीं था। लेकिन एज अ यूजर मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ का मेरा पे आउट था 166 रुपीज, और अभी मार्च महीने का मेरा पे आउट लास्ट था 61,000 रुपीज। अब सर कोरोना के टाइम चल रहे तो सबको पता है कि पिछले महीने मेरी 10 अप्रैल को मेरी दादी सास का डेथ हो गई। उसके बाद मेरे घर में 5 कोविड पॉजिटिव थे, हस्बैंड, दियर देवरानी और सास ससुर के साथ सब लोग। तो पीएलडी करने का टारगेट जो रखा था एकदम धुंधला दिख रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि शिद्दत से अगर किसी चीज के पीछे आप जुड़ जाते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आपके पास ले ही आती है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, हमारा एक्स्ट्रा पीवी एक्सटेंड हुआ और लॉयल्टी भी एक्सटेंड हुआ। तो फिर मेरा लास्ट मंथ का जो टारगेट था पीएलडी वो हो गया, और वो भी 3rd LPB लेक के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने इस मंथ मतलब लास्ट मंथ के पे आउट का बहुत ही इंतजार कर रही हूँ। जो मैंने रफली फिगर आउट किया ना, तो अप्रोक्सीमेट 75,000 से 80,000 के बीच में है। तो थैंक यू सो मच समीर मोदी जी सर, जिन्होंने इतनी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जहां पर एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ को बिजनेस वुमन बना डाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू किंजल मैम, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, बट एट द सेम टाइम आपने थैंक्स टू जो आपने डिसीजन लिया, वो भले आपने ये सब नहीं देखा, जो भी आपने पॉइंट्स बोले, नॉलेज नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, सबको नहीं देखा, इस मोदी केयर का जो स्ट्रक्चर है उसको लेते हुए आप आगे बढ़ते गए। आप प्लैटिनम डायरेक्टर हो फ्रेंड्स, प्लैटिनम डायरेक्टर के लिए 4 डायरेक्टर लेक्चर होती है, मैम की 3 LPB है, मैंने प्लान में बताया था। बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा स्टेज है, एंड एक टफ टाइम, फैमिली के टफ टाइम गुजरते हुए भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो खुद को आगे बढ़ाने का मौका फिर भी देती है, अपने आप को, अपने माइंड को, हार्ट को एक अच्छी जगह अप्लाई करने का मौका देती है। थैंक यू सो मच किंजल मैम हमारे से स्टोरी शेयर करने के लिए, हमारे लोग गेस्ट को आज मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर भावना दिलवर जी की तरफ। भावना जी, ओवर टू यू। भावना दिलवारे, बड़वानी, एमपी के बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग करने के बाद 6 से 7 महीने मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की थी, जहाँ से मैं संतुष्ट नहीं थी, तो गवर्नमेंट की तैयारी करना स्टार्ट किया। दो साल मैंने गवर्नमेंट की तैयारी भी की गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए, पर समझ में आ गया था कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ती ही रहूंगी तो पैसे कब कमाऊंगी और सपने कब पूरे करूंगी। तो मैंने खुद का कंप्यूटर सेंटर डाला, बिजनेस करना स्टार्ट किया, और बिजनेस मेरा कंप्यूटर सेंटर पे ही मुझे मोदी केयर का डेमो दिखाया, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। एक दिन हमारे सर अखिलेश पवार सर
का मीटिंग थी हमारे राजपुर में, सर को सुना, दुबई ट्रिप होके आए थे सर, दुबई का ट्रिप लेके आए थे, तो वो ट्रिप सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं घूमने फिरने के और मेरे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। मोदी केयर करना स्टार्ट किया, अल्पेश सर के सेशन से मेरे विजन क्लियर हुए और आज मोदी केयर से मैं जो सबसे पहला जो चेक था मेरा वो 101 रुपए का बना था और लास्ट मंथ मार्च का जो चेक था वो मेरा 67,000 का बना था। मोदी केयर से क्रेटा कार ला चुकी हूँ और टीम में 2 कार अचीवर है, जल्दी 1 कार और आने वाली है टीम में। तो ये पूरा श्रेय जाता है समीर मोदी सर को भी और हमारे आल लीडर्स सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बहुत बड़ा विजन है, यहाँ से मुझे दिसंबर तक 2 लाख की इनकम भी लेना है, साथ में मम्मी पापा का रोल मॉडल भी बनना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने एकदम बात सही कही कि पैसा तो कमाना पड़ेगा, अब नहीं तो कब। तो ऐसी जब अपॉर्चुनिटी सामने आई, आपने देखा और उसको रियलाइज कर लिया है, इतनी सिंपल तरीके से आपने बातें बताई, आप बिजनेस वुमेन थे उससे अब मोदी केयर में आए। थैंक यू सो मच मैम अपनी कहानी हम सबके साथ शेयर करने के लिए। NS12 and 21 का मिशन जो है वो बिल्कुल पूरा होगा। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आज के हमारे लास्ट अचीवर शिव शर्मा जी की स्टोरी सुनते हैं। शिव जी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने इस सफर की शुरुआत आज से 32 महीने पहले करी थी और जहां तक बात कमाने की है, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया है। ऑलमोस्ट मैं 11 लाख रुपए समथिंग यहाँ से अचीव कर चुका हूँ और मेरी टीम और मैं फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं। जो पैसा कमाया उससे कई गुना ज्यादा मैं जिस कमी को मानता हूँ वो है अपने अंदर परिवर्तन। हमारी अपलाइन जो है अल्पेश गजर सर, उनके हिसाब से एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा आदमी बन जाना और खुद के लिए कमाने के अलावा लोगों को कमाने लायक बनाना, ये बड़ी बात थी। और ये विश्वास मेरे अंदर मैं अभी पा रहा हूँ कि इस मोदी केयर के जरिए मैं अपने जीवन के वो सभी सपने जो मैं अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए देखता हूँ या देखता आया हूँ, वो सभी सपने में हर संभव जो है वो पूरे करने वाला हूँ। बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बेहतरीन मेरी प्यारी टीम, इन पे मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि मैं वो हर सपना पूरा करूंगा। स्पेशली इस कोरोना काल में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं शायद दान नहीं दे पाऊँ, डोनेशन नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं इस नॉलेज से, मोदी के प्रोडक्ट की क्वालिटी से कई सारे परिवारों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग खुश हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स लोग ले रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कोरोना हो रहा है और लोग नेगेटिव से पॉजिटिव मोदी केयर की वजह से हो रहे हैं। तो थैंक्स अलोट इस प्यारे से सिस्टम को, थैंक्स यू सर कि मुझे आपने मौका दिया, थैंक वेरी मच। थैंक यू शीर्ष जी, इतनी ठहराव है आपकी आवाज में, स्पोकन लाइक अ ट्रू लीडर। जब आपकी बात सुनती है, जब आपकी आवाज सुनी तो एक्चुअली आपके अंदर की लीडरशिप झलकती है। इस बिजनेस में आप हैं, बिल्ड कर रहे हैं एंड जिस थॉट प्रोसेस के साथ, वो पर्सनल ग्रोथ का जो मिशन है, जो एक व्यक्ति पर्सनली ग्रो कर पाता है इस बिजनेस में फ्रेंड्स, वो एक्चुअली अमेजिंग होता है। हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक डेस्क जॉब करी होती है, पीपल स्किल्स इतनी नहीं होती, वो भी पर्सनल ग्रोथ की वजह से इतना बड़ा बन पाते हैं इस बिजनेस में। थैंक यू शिव जी हमारे को पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ बहुत 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 कुछ थोड़े से अचीवर्स जो मोदी केयर हिंदुस्तान में बना चुका है। एक बहुत छोटा सा परसेंटेज, एक्चुअली जिसको कहते हैं ना एक समुंदर की बूंद जो है, वो आज आपने देखी है मोदी केयर की जो सफल कहानियां हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके हर किसी के लिए एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली इक्वल है, उतनी खास है, उतनी बड़ी है, अनोखी नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए सेम है। इस अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपनाए, समझ में आए ज्वाइन करिए इस बिजनेस को करिए, और नहीं समझ में आया ना तो भी ज्वाइन करिए इस बिजनेस को करिए। क्योंकि मेरी मदर, जिनकी फैमिली इनकम आज की तारीख में 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है महीने की, उन्होंने भी जब पहली बार इस बिजनेस के बारे में सुना था, जाना था ना, उनको भी नहीं पूरा समझ में आया था आई एम श्योर, बट क्योंकि वो विश्वास था कि उन्होंने देखा था कि बाहर के गोरे ने कराया तो मैं भी कर लूंगी। आप इस वेरी मीटिंग के जो एग्जांपल्स हैं उनको देख के बोल सकते हैं अगर इन्होंने कराया तो आप भी कर सकते हैं। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी लाइक मोदी केयर, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट का पैसिव इनकम बिल्ड करने का मौका यही बिजनेस देता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे शिव जी ने कहा, टीचिंग और हेल्पिंग हैंड मिलता है दोस्तों,
एक व्यक्ति को बिजनेसमैन बनाने के लिए, आपके एक के सपने पे काम करने के लिए मोदी केयर के हजार लोग लगे होंगे, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग योर अपलाइंस, टॉपलाइंस, हर कोई आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ होगा, आपको बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए लगा होगा, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर लगा होगा, ये लीड प्लेटफॉर्म बना रखा है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला पाए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स हो, ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट इंक्रीज कर। मच फ्रेंड्स, नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। मोदी के सपनों की आजादी, उनकी जो सुनती अपना दिल, सपनों की आजादी। इस वुमेन्स डे सपनों की इस आजादी को मोदी केयर और मिर्ची करता है सलाम। मोदी केयर, जो इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी करिए। थैंक यू।